हाय गाइस, वेलकम अगेन। देसी का रिएक्शन इज़ हेयर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग मूवीज, ड्रामा, सॉन्ग्स एंड डिफरेंट टॉपिक्स पर रिएक्शन लेकर आते हैं। सो गाइस, रिएक्शन देने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देसी का रिएक्शन चैनल को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आप लोगों के सजेशन एंड कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिर में बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो गाइस, आज मैं रिएक्शन देने जा रही हूँ अपकमिंग बॉलीवुड मूवी परमानो के ऑफिशियल ट्रेलर पर, और मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी और ये सुनने में आया कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेलर है, ट्रू स्टोरी पर बनाई गई है ये मूवी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स सी द वीडियो। 1998 इंडिया, परमानु द स्टोरी ऑफ पोखरान। उसे ना कोई ऑफिशियल पोस्ट मिली, ना सैलरी, ना मेडल, नथिंग। जी स्टूडियोस एंड कैटा प्रोडक्शन। अमेरिका 1000 से भी ज्यादा एटम बॉम्ब्स टेस्ट कर चुका है। 1000 से भी ज्यादा। उसके नक्शे कदम पे चाइना 45 टेस्ट कर चुका है और एक के बाद एक अपने एटम बॉम्ब्स पाकिस्तान को। 45, ओके। नाउ इट्स टाइम फॉर इंडिया टू बिकम अ न्यूक्लियर स्टेट। इंस्पायर्ड बाय अ ट्रू इवेंट। अमेरिका की लक्रोस सैटेलाइट्स हर वक्त हम पर नजर रखे हुए हैं। कुछ नहीं बचता इनसे। मेरा प्लान है इन्हें पूरी तरह से अवॉइड करना। वन सीक्रेट ऑपरेशन का पोखरण फोर्ट, और आप लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स बन के जाएंगे। हमें अगले 30 दिनों में यहाँ एक नहीं, 6 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने। 6 न्यूक्लियर बॉम्ब से छुपके, बहुत मायने रखते हैं। Six Indians. ये शहर की भोली भाली जनता को पता भी नहीं कि इनके बीचों बीच क्या गुजर रहा है। अगर ये एक्सप्लोर हुआ तो ये पूरा शहर अंडरग्राउंड हो जाएगा। Oh my God, पूरा शहर। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो शुमन? Show the world. Tell the president, let's stop this. Why don't you get it? Our cover has been broken. हमने जो सोचा वो देश के लिए था, हमने जो किया वो देश के लिए है, और हमने जो पाया वो देश का। फिल्म बाय अभिषेक शर्मा, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। हीरो वर्दी से नहीं, इरादे से बनते हैं। जी तो फ्रेंड, ये था ट्रेलर। बहुत अच्छा डायलॉग था। एंड मैंने पढ़ा था कि रेस 3 के ट्रेलर को और इस परमानु मूवी के ट्रेलर को आपस में कंपेयर किया जा रहा था, लेकिन मैं यहाँ कंपेयर नहीं करूँगी बिकॉज बहुत डिफरेंट है। और वो जो अपनी जगह रेस 3 का जो ट्रेलर है वो अपनी जगह इंटरटेनमेंट ट्रेलर है एक, एंड जो परमानु मूवी का ट्रेलर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेलर है। ये एक्शन मूवी है, सीरियस मूवी पर ये बनाया गया है। सो आई डोंट थिंक कि हमें इसे कंपेयर करना चाहिए क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छी स्टोरीज हैं। सो अगर बात करें ट्रेलर की तो मूवी की स्टोरी की बात करते हैं तो बेसिकली वो स्टेज दिखाई जा रही है जहां इंडिया जो है वो न्यूक्लियर पार्ट जो है बनाने जा रहा है। नो डाउट इंडिया में बने या पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में बने वो अमेरिका की नज़र से बच के ही बनाया जा सकता है। और यहाँ दिखाया जा रहा है कि कैसे वो अमेरिका की नज़र से बच कर न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उसे टेस्ट करने गए हैं, और वो भी एक टाइम पर 6-6। और अगर इसके नुकसान देखा जाए तो अगर बहुत ज़्यादा खतरा है क्योंकि उन्होंने बताया कि अगर ये एक ब्लास्ट हो गया तो पूरा शहर जो है वो अंडरग्राउंड हो सकता है। मतलब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने वो जो है न्यूक्लियर बॉम्ब जो है इन्हें टेस्ट करना है, और वो भी अमेरिका की नज़र से बचते हुए। इस मूवी के अकॉर्डिंग अमेरिका 1000 से ज़्यादा जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो बना चुका है, और उसके नक्शे कदम पर चाइना जो है 45 से ज़्यादा टेस्ट कर चुका है, और बहुत से जो है वो पाकिस्तान को सप्लाई कर चुका है। मे भी करता होगा, लेकिन अब पाकिस्तान खुद एक न्यूक्लियर पार्ट बन चुका है। सो आई डोंट थिंक कि अब भी चाइना से न्यूक्लियर पार्ट लेने की ज़रूरत है, या लेता था, आई डोंट नो।
और ये 1998 पोखरण की एक जगह, वहाँ ये टेस्ट किया गया है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेलर वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, और अगर कोई न्यूक्लियर पार्ट जो है वो ब्लास्ट होता है तो वो पूरा शहर जो है वो तबाह हो जाएगा, और पूरा शहर जो वो अंडरग्राउंड हो जाएगा। सो गाइस, बहुत बड़ी बात है। एक टाइम पर अमेरिका में रहते हुए उनकी नज़र से ही बचकर छः छः जो है न्यूक्लियर पार्ट बॉम्ब जो है टेस्ट करने हैं उन्होंने, और वो भी 6 इंडियन पीपल्स ने। सो बहुत स्ट्रांग जो है जोब है इस मूवी में। एंड मूवी परमाणु में कास्ट किया गया है जॉन इब्राहिम एंड डाइना को। तो आई थिंक के जॉन अब्राहिम का बहुत ही स्ट्रांग प्ले है इस मूवी में। तो जैसा हमने ट्रेलर में देखा कि वो कितने सख्त ऑफिसर हैं, एक जो स्ट्रांग पोजीशन होती है आर्मी ऑफिसर की वो थी उनकी। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे, एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त की है और स्टोरी भी बहुत ज़बरदस्त है। सो गाइज, मुझे तो ये ट्रेलर बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको मेरा ये ट्रेलर पसंद आया हो तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड अगर आपकी कोई फरमाइश है या आप किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो हमें कमेंट के ज़रिए बताइएगा, हम अपने फ्रेंड के रिक्वेस्ट को ज़रूर पूरा करेंगे। सो गाइज, जाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब अवर चैनल एंड बिकम अ मेंबर ऑफ देसी गर्ल रिएक्शन चैनल एंड फैमिली सपोर्टर्स एंड गिव अस एनर्जी बाय लाइक शेयर एंड कमेंट आवर वीडियोस। प्रेस बेल आइकन बटन टू रिमेन अपडेट एंड एंजॉय न्यू वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह।